विशेष करके मेरा विशेष निवेदन स्त्री रोग के अंदर मैं आपसे निवेदन करता हूँ, आजकल विशेष करके स्त्री के अंदर जो रज है, मासिक धर्म है, वो दूषित रज किसी के दो दो महीने से होता है, किसी के 15-15 दिन में होता है। उसमें जो रक्त के स्कंदन क्लॉट्स काले काले और बड़ी बदबू युक्त रक्त स्त्राव होता है, अगर उसमें एलोपैथिक में जाने के बाद में सोनोग्राफी कराने के बाद में अगर मान लिया ब्लड की क्लॉट्स अंदर है तो घाटी आ जाएगी, तो डॉक्टर कहेगा बच्चेदानी को निकला दो, तो बच्चेदानी का ऑपरेशन करेगा। हमें बड़ा दुख इस बात का आयुर्वेद चिकित्सक होने के नाते कि 25 और 30 35 साल की औरतों के भी बच्चेदानी निकालने के एलोपैथिक चिकित्सक इसकी राय देते हैं, जबकि आयुर्वेद में किसी प्रकार का ट्यूमर हो बच्चेदानी के अंदर, गर्भाशय के अंदर, उसका 100% इलाज है। और आपका अगर मासिक धर्म साफ नहीं है तो उसमें जो क्लॉट्स आते हैं, जो ब्लड रक्त के जो स्कंदन बने हुए होते हैं, जो गांठें बनी हुई होती है, वो गांठें सोनोग्राफी आने के बाद में डॉक्टर देखेगा कि आपके बच्चेदानी में गांठें हैं, इसलिए बच्चेदानी को निकलाना पड़ेगा, जबकि ऐसा धर्म नहीं है। आपका अगर आयुर्वेद के अंदर ऐसे है कि आपकी मासिक धर्म द्वारा आपके मतलब मासिक धर्म द्वारा आपके बच्चेदानी की सफाई करके आपको बिल्कुल स्वस्थ किया जा सकता है। इसके अंदर जिन माताओं की ऐसी स्थिति के अंदर बच्चे बच्ची नहीं होते हैं, बच्चा नहीं लगता है, जिसके मासिक धर्म नियमित नहीं हो, मासिक महीने के महीने वो ब्यूर ब्यूटी टाइप सावन की डोकरी के समान, उसकी सावन की डोकरी के समान रक्त बिल्कुल लाल रक्त अगर आता है तो वही गर्भवती होने की अधिकारी है। अगर उसमें किसी प्रकार का आपके मासिक धर्म के अंदर अनियमितता है, आपके मासिक धर्म दूषित है, तो आप गर्भवती नहीं हो सकती है। इसके लिए आप आयुर्वेद के अंदर चिकित्सा का संपर्क करें। हम इसकी आपकी मासिक धर्म को नियमित करना और योनि के अंदर विशेष प्रकार का दाह रहता है, जलन रहती है, जलन रहने के बाद में संभोग करते समय अगर मान लिया आपकी पुरुष का शुक्राणु उसके अंदर योनि के अंदर नष्ट हो जाता है, तो वो दाह भी आयुर्वेद की चिकित्सा के अंदर नियत है कि उस दाह को मिटा जाए। नियमित रूप से उसको योनि व्यापद और गर्भाशय को शुद्ध करके आप गर्भवती हो सकती हैं। और गर्भवती अगर आप गर्भ भी हो गए, आपके बच्चे बच्चे भी हो रहे हैं, फिर भी आपका रक्त दूषित है, आपके मासिक धर्म नियमित नहीं है, तो आयुर्वेद में इसकी चिकित्सा है। आप बच्चेदानी का निस्सारण नहीं करवाने, आप एलोपैथी के अंदर इसकी चिकित्सा का कोई इलाज नहीं है, हमारे आयुर्वेद में इसका पूर्ण इलाज है। आप अंदर गर्भाशय शोथ है, आपके डिम नहीं बनते हो, आपके स्त्री बीज नहीं बन रहे हो, आपकी ये बीज वाहिनियाँ सिकुड़ गई हो, तो इसका भी आयुर्वेद के अंदर अच्छा इलाज है। आप आयुर्वेद में पधारें और आयुर्वेद का इलाज करें।